करते प्रभु Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.
अतिहत मदधीष्ट दंड देवेंद्र गर्व प्रतिहत मदधीष्ट दंड देवेंद्र गर्व अतुल पृथुल शैल श्रेणी भूपं प्रियं मे अतुल पृथुल शैल श्रेणी भूपं प्रियं मे निज निकट निवासं देहि निज निकट निवासं देहि गोवर्धन त्वं निज निकट निवासं देहि गोवर्धन त्वं गमद मदन लीला कंदरे कंदरे ते गमद मदन लीला कंदरे कंदरे ते रचयति नवयूनो द्वंद्वं अस्मिन् मंदं रचयति नवयूनो द्वंद्वं अस्मिन् मंदं इति किल कलनार्थ लगनस्तल्पयोर्मे इति किल कलनार्थ लगनस्तद्वयोर्मे निज निकट निवासं देहि गोवर्धन निज निकट निवासं देहि रत्न सिंहासनोर्वी अनुपम मणि देदी रत्न सिंहासनोर्वी रुहुधर दर सानु द्रोणी रुहुधर दर सानु द्रोणी संगे चुरंगे रुहुधर सखी भी संखे लयन सवाला सखी भी संखे लयन स्वप्रियम सवाल सखी भी संखे लयन स्वप्रियम में निज निकट निवासम गोवर्धन त्वं निज निकट निवासम दे गोवर्धन त्वं युति परिमल विद्यां श्याम वेदिं प्रकाशय युति परिमल विद्यां श्याम वेदिं प्रकाशय रसिक वर कुलानां मोदन स्फालन मे रसिक वर मोदम स्फालन मे निज निकट निवासं देहि गोवर्धन त्वं निज निकट निवासं देहि गोवर्धन रसिक वर कुलाना मोदम अस्फालन मे रसिकवर कुलानां मोदम अस्फालन मे निज निकट निवासं देहि गोवर्धन त्वं निज निकट निवासं देहि गोवर्धन त्वं हरिदयितम पूर्वराधिका कुण्डया कुण्डयात्मा प्रिय सख मिह कंठे नर्मनालिंग गुप्त प्रिय सख मिह कंठे नर्मनालिंग गुप्त नवयुवा युग खेलास्तत्र
पश्यन् रहो मे नवयुगखेला तत्र पश्यन् रहो मे निज निकट निवासं देहि गोवर्धन त्वं निज निकट निवासं जल तल शे भूहरूह छाया तल शे भूहरूह छाया प्रतिपदम अनुकालम हंत संवर्धयन् अनुकालम हंत संवर्धयन् त्रिजगति निज गोत्र सार्थकं ख्याप्यन्मे निज निकट निवासं देहि गोवर्धन तं निज निकट निवासं देहि निवासं देहि गोवर्धन त्वं निज निकट निवासं देहि सुरपति कृत दीर्घ द्रोह को गोष्ठ रक्षा पश्यन्तरे कुर्वतैव अभवकरिपु उच्च दत्तमानं द्रुतं मे निवासं देहि गोवर्धन त्वं निज निकट निवासं देहि गोवर्धन गिरिनृप हरिदास श्रीनिवर्यति नामा हरिदास हरिदास गिरिनृप हरिदास श्रेणी वर्येति नामा नृप हरिदास मिदं मुदितं श्रीराधिकावप्रचण्डा मृतमिदं मुदितं श्रीराधिकावप्रचण्डा ब्रजजना तिलकृत्कृप्तवेदे स्फुटं मे निवासं देहि गोवर्धन त्वं निज निकट निवासं देहि गोवर्धन त्वं निज जन युत राधा कृष्ण मैत्री रसक्त निज जन युत राधा कृष्ण जनर पशु पक्षी व्रात सुखैकदात जनर पशु पक्षी व्रात सुखैकदात
अगणित करुणात्मान् ममुरीकृत्यतान्तम् अगणित करुणात्मान् ममुरीकृत्यतान्तम् निज निकट निवासं देहि गोवर्धनार्थम् निज निकट निवासं देहि निरुपधिकरुणेन श्रीसचिनन्दनेन करुणेन श्रीसचिनन्दनेन त्वयि कपटिशठोऽपि सत्यप्रेणार्पितोऽस्मि त्वयि कपटिशठोऽपि प्रेणार्पितोऽस्मि इति खलु मम योग्य अयोग्यतां तां गृह्णन् इति खलु मम तां गृह्णन् निज निकट निवासं देहि गोवर्धनात्मं निज निकट निवासं धनात्मं रसद दशकमस्य श्रील गोवर्धनस्य हितिधर कुलभर्तुर्यप्रतनादधीते हितिधर कुलभर्तुर्यप्रतनादधीते सपदि सुखदेयस्मिन् वासद्यं असत्साक्षात् सुखदेयस्मिन् वासं मासाद्य साक्षात् शुभद युगलसेवारत्नम् आप्नोति तूर्णम् युगलसेवारत्नम् आप्नोति तूर्णम् निज निकट निवासं देहि गोवर्धनात्मं निज निकट निवासं देहि प्रभु जी आप जाइए उनको मालूम नहीं ये जगह अभी तो आए थे वो भी आए थे आए थे माता जी ने ये जगह जहाँ हम बैठे हैं अति पावन स्थान है स्विच चालू है उसका ये दिव्य स्थान है गुरु जी के साथ हम लोग यहाँ आए थे यहाँ की महिमा ऐसे तो देखा जाए ब्रजमंडल के सारे कण कण की महिमा ब्रह्म ज्ञान से कम नहीं ब्रह्म से कम नहीं साक्षात ब्रह्म ही जहाँ रज के रूप में है थोड़ा सा दूर से बोलना नहीं तो फटेगी आवाज जहाँ ब्रह्म साक्षात रज के रूप में है ब्रह्म र रज ब ब्रह्म र रज ब्र ज ब्र ब्रह्म र रज ये है ब्रज इस ब्रज की विशेषता ये है जैसे ब्रह्म द्रव कौन है ब्रह्म द्रव क्या है प्रभु
वो है ना एक श्लोक, ब्रह्म द्रवत्वम अपगच्छति नीर धर्म। ब्रह्म द्रव कौन है? भगवान के श्री चरण कमलों से प्रकट हुई गंगा ब्रह्म द्रव है। मतलब जो ज्ञान है, जो प्रकाश है, वो प्रकाश ज्ञान शब्द रूप एकत्रित हो करके जब जल के रूप में परिणित हुआ तब गंगा जल हुआ। आवाज आ रही है? इसको उठाऊं थोड़ा सा, इसको इन लोगों को सुनाई देना, ठीक है? तो जहां पे ब्रह्म जो निराकार था, जो आकार रहित था, प्रकाशमान था, निर्गुण था, गुण रहित था, जहां पे ब्रह्म के लिए कहते निर्विकार है, कोई विकार नहीं है, उस निर्विकार निराकार निर्विकल्प ब्रह्म को जब विकार हुआ, नहीं समझे, जब उसको विकार हुआ, कहां से विकार हो गया? ब्रह्म को विकार कैसे हो सकता है? ब्रह्म को विकार कहां से हो सकता है जब उसका आकार ही नहीं है? जिसका आकार नहीं उसको विकार कहां से होगा? मतलब भगवान के अंग ज्योति जो है, भगवान का जो दिव्य प्रकाश पुंज है, वह भी भगवान के इस प्रेम को देख करके कि भगवान अत्यंत छोटे होकर के अपने चरणों से त्रिभुवन को नाप रहे हैं, तो ब्रह्म भी वो प्रकाश भी पुंजीभूत हो गया, एकत्रित हो गया। एकत्रित हो करके ब्रह्मा जी के अश्रु बिंदुओं में प्रकट हो गया। और जैसे ही वह भगवान सत्यलोक में जो है भगवान का चरण गया, अपने अश्रुओं से धोने लग गए उन चरणों को, और वही कमंडल में आके गंगा जल हो गया। समझे? तो ये ब्रह्म द्रव्य इसीलिए कहते हैं। ये ब्रह्म रज क्या है? ये ब्रज। ये ब्रज है जहां पर भगवान ने कल्पना की। भगवान को कल्पना की जरूरत होती है? भगवान तो कल्पना करते नहीं। भगवान को बिल्कुल कल्पना की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान जो चिंतन करते साथ साथ होता है। लेकिन वो जैसा चिंतन जैसे ही किया कि ऐसा हो कि मैं अंधकार के भीतर, इस घोरतम अंधकार के भीतर, ओ सप्तलोक 14 लोकों के अंतर्गत जो एक बीच में पृथ्वी है, जहां पे जन्म मृत्यु का, कर्म फलों का लेना देना होता है, वह पृथ्वी 14 लोकों के भीतर भगवान ने जब देखा उस ब्रह्मांड के भीतर कि आह ये सेंटर पॉइंट है, यहां पे मैं अपने धाम को प्रकटित करूं तो कैसे होगा? जड़ में चैतन्य कैसे प्रकट होगा? तो चैतन्य जो है स्वयं, अर्थात ब्रह्म जो है स्वयं, भगवान की इच्छा हो करके साक्षात आकर के यहां पे रजकण हुआ। ये इस जगत की बात भी है और गोलोक की बात भी ऐसे ही है, सेम टू सेम। इस जगत में केवल यह हुआ कि जहां भगवान विराजमान हैं उतनी जगह, उतना स्थान मात्र ही प्रकाशमान हुआ, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि वो रात्रि नहीं हो रही। प्रकाशमान है तो रात ही नहीं हो रही, वो योग माया के द्वारा संचालित हुआ। इसलिए वती बहुत ही विशेष स्थान है ये ब्रज।
इसको आप लोग समझ पाए या ना पाए मुझे मालूम नहीं, उसे निकाल लीजिए डायरेक्ट हो जाएगा। इस समझ पाए या ना पाए मुझे मालूम नहीं, लेकिन हाँ इस बात को जानना जरूरी है बुजुर्ग जब आदमी होता है ना तो ऐसे हो जाता है, बुढ़ापे में ऐसे हो जाता है आदमी कि बातें करने लग जाते हैं। जहां का हम चिंतन कर रहे हैं थोड़ा ध्यान करिए, चिंतन करें, मैं भी ऐसे ही हो गया हूं कई बार, कोई बात बोलते बोलते अगर फ्यूज उड़ गया तो कुछ समझ में नहीं आता क्या बोल रहा था। तो ये जो वृंदावन धाम है ब्रजराज, ये संपूर्ण ऐसा ही है, कहीं भी किसी भी कोने से आपको कुछ भी प्राप्त हो सकता है, परंतु इसमें भी कोई कोई स्थान बहुत ही विशेष रूप से सिद्ध हैं। ऐसे ही जैसे कि संपूर्ण पृथ्वी भगवान का ही अंश है, संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के ही प्रकाश के द्वारा प्रकाशित हैं, जहाँ येन केन प्रकारेण या किसी भी तरीके से भगवान से संबंधित हैं, लेकिन जब धाम की बात आती है तब ऐसे ही होता है जैसे बड़े अंधकार में एक मणि चमक रही हो, और जब अंधकार में मणि का चमकना होता है ना तो बड़ा दिव्य होता है। अब प्रकाश के समय वही मणि को रख दीजिए सूर्य के सामने तो उसका कोई तेज तेज नहीं लगता, वही मणि जब रात्रि के समय में होती तो दिव्य लगती। इसी प्रकार से इस घोर अंधतम संसार के अंदर भगवान का मणिमय धाम, जिस धाम को योग माया के द्वारा आच्छादित होने से रात्रि होती है, मगर जहाँ जरूरत है वहाँ प्रकाशमान भी रहता है। जैसे ठाकुर जी जब लीला करते हैं कुंज वनों में तो वहाँ धाम प्रकाशित एकदम तेजमय होता है, वहाँ कोई अंधकार नहीं होता रात्रि के समय में भी। लेकिन जहाँ भगवान ने शयन लीला करनी है वहाँ अंधकार भी होता है रात्रि के समय में। ये दिव्यता, यही खासियत है धाम की। तो ये जो इस वक्त हम स्थान पे बैठे हैं इसका नाम है क्या लिखा है इधर, परम भागवदीय ना ना, ये तो गुलमलता, उद्धव जी की गुलमलता, उद्धव जी की गुलमलता, ये उद्धव जी की गुलमलता। उद्धव जी यहाँ पे लता के रूप में, गुलम के रूप में आके विराजमान हुए। मैंने बतलाया था आप लोगों को उद्धव कुंड के बारे में कि उद्धव कुंड में जब भगवान की कुछ पटरानियाँ परीक्षित के साथ में कुरुक्षेत्र से इधर आईं कि हम देखने जाएंगे ब्रजमंडल, तो धामवासी जितने थे, ब्रजवासी जितने थे, वो तो कुरुक्षेत्र से ही गोलोक धाम प्रस्थान कर गए, वापस नहीं आए। उन्होंने कहा अब तुम्हारे बिना हम जाएंगे नहीं, जा तो हमें ले चलो या तुम हमारे साथ चलो। तो ऐसा वर्णन है कि इतना विरह हुआ। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि जो विरह की पराकाष्ठा है जो कुरुक्षेत्र में दर्शन करने को मिली वो कहीं भी नहीं मिली। राधा रानी कहती है कृष्ण तुम वही हो, मैं वही हूं, तुम वही नंदनंदन हो, कृष्ण हो, ब्रजेंद्र नंदन हो, और मैं वही राधिका हूं। लेकिन यहां वो अच्छा नहीं लग रहा, कहां वो ब्रजमंडल, कहां वो ब्रजभूमि, कहां वो गुलमलता, कहां गैया, कहां गोवर्धन, कहां ये सैन्य सामंत। तो वो एक अद्भुत मिलन जिसे विप्रलंभ कहते हैं, क्या कहते हैं, विप्रलंभ की पराकाष्ठा, विप्रलंभ से भी ऊंची की अवस्था,
कि कृष्ण पास में होते पकड़ते हुए कृष्ण का आलिंगन करते हुए भी सुख नहीं हो रहा है। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं ये और उज्जवल उज्जवलतम भाव प्रकट हुआ है श्री राधा कृष्ण का। तो इसलिए कुरुक्षेत्र में श्री राधा रानी ने कहा कि गोविंद अगर तुम साथ में नहीं चले तो हम फिर नहीं रहेंगे, गोपीनाथ वृंदावने चलो, वहीं की लीला है वो रथ पकड़ के खींचना, गोपीनाथ वृंदावने चलो गोपीनाथ, गोपीनाथ वृंदावने चलो गोपी, वृंदावने चलो गोपीनाथ, वृंदावने चलो गोपीनाथ, गोपीनाथ वृंदावने चलो गोपीनाथ, गोपीनाथ वृंदावने, वृंदावने चलो गोपीनाथ, वृंदावने चलो गोपीनाथ। श्री राधा रानी ने कहा हे गोपीनाथ मेरे प्राणनाथ तुम हो, लेकिन मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा तुम गोपियों से प्रेम करते हो, हे गोपीनाथ वृंदावन चलो। राधा रानी रथ को पकड़ लेते हैं, कृष्ण घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा, अब तो कोई उपाय नहीं। ये कृष्ण और राधा रानी की ऐसी लीला है यहाँ पे अद्भुत, ठाकुर जी जा नहीं सकते, क्या हुआ भाई कुरुक्षेत्र तो पास में था, आ जाते क्या घिस जाता तुम्हारा, क्या चला जाता, हम ही दिल्ली बंबई इधर उधर घूमते रहते हैं, तुम्हारा क्या जा रहा था। लेकिन अगर यहां आते फिर ये धाम जो है जो अप्रकट होने की स्थिति में था वो पुनः प्रकट हो जाता। तो कहते हैं वृंदावन छोड़ के गए ही नहीं, गौड़ी वैष्णव बोलते हैं अन्य वैष्णव बोलते हैं, गए ही नहीं तो फिर आ जाते वाली बात क्या थी। हाँ ये बात समझनी होली, जब भगवान भक्तों का रसास्वादन करते हैं तो भक्तों के कीर्तन में भक्तों के संग में रहते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जब भगवान कोई इस धराधाम पर लीला कर रहे होते हैं तो उस लीला की पुष्टि के लिए भाव के स्वरूप से तो रहते हैं लेकिन प्रत्यक्ष रूप से तो उस लीला में होते हैं। तो इसलिए उस लीला का भाव अवतरण होना या कृष्ण का भाव अवतरण होना और कृष्ण का साक्षात आना, इन दोनों में अंतर है, ठीक है ना, समझ आ रहा है। वहां से फिर सारी की सारी गोपियां गोलोक धाम चले गए। अब कृष्ण कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर दीजिए दोबारा कर लीजिए, किस में चल रहा है तीर्थहरि चर्चा में, बैटरी नहीं है ना, प्लान नहीं था करने, कोई बात नहीं, तो कहाँ थे हम लोग ठाकुर जी। हाँ गोपियां श्री राधा रानी जब गोलोक धाम चले गए अब कृष्ण का क्या हाल होगा, कृष्ण के शतवार्षिकी मनाई गई, कृष्ण के क्या बनाया गया, 100 साल पूरे हो गए तब कुरुक्षेत्र में ये हुआ था लीला, ऐसे कहते हैं। उसके बाद कृष्ण की जो लीला है क्या हाल होगा कृष्ण का, कल्पना करके देखिए, द्वारिका में श्री कृष्ण रह नहीं पा रहे, हा गोविंद गोविंद भी जो है हा राधे हा राधे हा राधे करके, हे गोपी हे एक एक गोपी ललिता विशाखा को चिल्लाते हैं,
विरह में तड़फने लगे। जैसा गोपियों ने कष्ट पाया था उससे हजार गुना ज्यादा कृष्ण को कष्ट मिलने लगा। क्यों? ये यथा माम प्रबधन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। मेरा जैसा जो भजन करता है मैं उसका उसी प्रकार से भजन करता हूँ। जैसे तुम चिंतन करोगे गोविंद का वैसे ही गोविंद तुम्हारा चिंतन करेंगे, ये भगवान ने कह रखा है। तो गोपियां जिस विरह में थीं उनसे हजार गुना ज्यादा कृष्ण विरह में चले गए। तब रोहिणी देवी और जितनी भी और उनकी रानियां थी रुक्मणी इत्यादि, उन्होंने चिंतन किया अब क्या होगा, अब क्या होगा, मतलब तो है ही नहीं है, नहीं है। एक काम करो, बलदाऊ जी से बोला, दाऊ जी आप तो ब्रज को अच्छी तरह जानते हो, आप कृपा करके द्वारिका में ही ब्रज को प्रकट कर दो। तो द्वारिका के एक क्षेत्र में, उस जगह का नाम भूला हूँ, नववृंदावन का प्राकट्य किया। बोले नववृंदावन धाम की, वहाँ वही नंद वही यशोदा वही राधा वही गोपी वही सब कुछ एज इट इज खड़ा कर दिया। और कृष्ण वहाँ रहते हैं, द्वारिका नहीं रहते। बोलो वृंदावन ये लीलाएं कहाँ सुनने को मिलेंगे। ये उद्धव जी ने जब परीक्षित जी के साथ में ये रानियां, कुछ रानियों ने कहा कि ये गोपियां ऐसी थी, हम जाना चाहते हैं ब्रज, बिल्कुल पास में आए, पता नहीं फिर कब आएंगी, आप हमें ले चलो। तो वहां से वो यहां लेके आए। और अब ब्रजवासी तो है नहीं, चले गए नित्य जो परिकर थे, तो क्या करेंगे, अपने हस्तिनापुर, यही तो दिल्ली के पास में, हस्तिनापुर से ब्राह्मणों को लेके आए कि चलो ब्राह्मणों को सेवा में लगा देंगे। और फिर ब्राह्मणों को लेकर के यहाँ आकर के बज्रनाभ के द्वारा कह के कि यहाँ तुम मंदिरों की स्थापना करना, तो वो यहाँ आए थे। उस वक्त उद्धव जी एकदम, मतलब जब यहाँ से ठाकुर जी, ध्यान दीजिए, ठाकुर जी जब यहाँ से गए हैं मथुरा, मथुरा से उद्धव को भेजा, उद्धव द्वारा मथुरा गया, फिर ब्रज में आता रहा लगातार, तो उद्धव को एक शक्ति प्राप्त हो चुकी थी, वो है चित्त निर्माण प्रक्रिया। क्या है ये चित्त निर्माण प्रक्रिया? ऐसी होती कि आप एक जगह बैठे बैठे दूसरी जगह अपने शरीर को प्रकट कर सकते हो, वहां क्रिया होगी, वो सब कुछ होगा जो यहां हो रहा है, ऐसा होता है। तो ये एक योगियों के पास में शक्ति होती है। सौरवे ऋषि का बाल मालूम होगा आपको, 50 उसने रूप बनाए थे, लेकिन उद्धव जी ने यहां अपने भावमय रूप में गुलमलता के रूप में प्रकट हुए। और वो इतना विशाल वो उनका झुंड था उद्धव कुंड में कि जब वो गोपियां, जब वो महर्षियां आई परीक्षित जी के साथ में आकर के वो खोजने लगी, तो कहते ऐसे नहीं मिलेंगे, यहाँ उद्धव जी नित्य विराजमान करते हैं, उनको अगर ढूंढना है तो हमें ब्रज रज को प्रार्थना करनी पड़ेगी। किसे? ब्रज रज। और ब्रज रज को उन्होंने स्पर्श करके, ब्रज रज को अपने शरीर में अभिषिक्त करके, स्नान करके प्रार्थना की कि हे ब्रज भूमि, हे ब्रज रज, आप कृपा करें, बताइए उद्धव जी कहाँ हैं। उद्धव जी रोमांचित हो गए कि कोई भगवान का नित्य परिकर आया, कोई भगवान का दास आया, भगवान का सेवक आया। उद्धव जी रोमांचित होने लगे और उस पूरे वन के अंदर केवल मात्र उद्धव जी का जो वृक्ष था, जो गुलमलता थी, वो कांपने लगी। यही है, यही है, यही। चलो चलो चलो। उस वक्त चांडिल्य मुनि थे यहाँ। चांडिल्य मुनि कौन कौन थे? चांडिल्य मुनि नहीं 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 शांडिल्य, शांडिल्य जो हैं भगवान श्री कृष्ण के, नंद बाबा के, नंद बाबा के कुलगुरु हैं, गर्गाचार्य हैं, वृष्णि वंश के कुलगुरु। जिनके बेटे ने श्राप दिया था वो शांडिल्य मुनि, शमिक मुनि थे, शमिक श्रृंगी, विभांडक मुनि के पुत्र ऋषि श्रृंग थे, वो अलग है। यहाँ पे शांडिल्य जो हैं ये नंद बाबा के कुलगुरु हैं। तो ये शांडिल्य मुनि यहाँ पे थे,
वो लेके आ रहे थे और जैसे ही वो कांपने लगा कहते देखो वो है उद्धव, जाओ 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 प्रणाम करो। सारी ने लेट के धरती पे प्रणाम किया कि आहा हे उद्धव शिव आप तो वहां भी हैं यहाँ भी हैं। तब उद्धव जी प्रकट हुए, प्रकट होकर वहां से उठ के तो पीछे है, वहां से उठ करके यहाँ पे बहुत सुंदर वन था, अब तो वन खत्म हो गया, अब तो ये कांटे लगे हुए हैं। वन में यहाँ पे आके विराजमान हुए और यहाँ उन्होंने ठाकुर जी की वह लीला सुनाई जैसे सुन करके वो मुख्य पटरानियां अब गोपियों के भाव में भावित हो गई। ध्यान दीजिएगा इसे, गोपियों के भाव में भावित हो गई, ऐसी भावित हुई कि वो खुद को गोपियों की धूल समझने लगे और जिसके कारण ही केवल मात्र उनको वो नव वृंदावन में दर्शन करने का अधिकार था कि कृष्ण की क्या अवस्था। कृष्ण वहां पे खूब मजे में, अरे सुनना रो आजा चल, मतलब कृष्ण वहां पूरे आनंद में, क्या लीला है ना। ऐसा कभी हो सकता है जो सर्वंत्र यामी है, सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सर्वगम है, जो विश्वव्यापिक है, उसके साथ ऐसा लीला हो सकती है? मतलब ये तो काल्पनिक लगती है जी, बिल्कुल काल्पनिक लगती है, ये तो बनाई हुई लगती है। हाँ हाँ बिल्कुल बनाई हुई लगती है, लेकिन तुम्हारी बनाई नहीं, तुम्हारी काल्पनिक नहीं है, ये गोविंद की कल्पना है और गोविंद की कल्पना सत्य होती है। इसलिए आइए उद्धव जी के श्री चरणों में प्रार्थना करें। एक मैं पुस्तक ले आया था, समय क्या हो गया बता दीजिएगा, समय भाग जाता पता नहीं क्यों। प्रभु जी जीर्ण शीर्ण अवस्था है इसकी, मोड़ना नहीं कहीं पेपर इसका। अरे बोल राधा गोविंद प्रभु, ये पेपर मुड़ गए फट गए, मैंने मोड़ा नहीं था, अंदर रखा ना तो उसमें शायद हाथ घुस गया होगा। उसमें संभाल गया था। छोटा करताल नहीं, सूरदास जी का पद है, सूरदास जी ने गाया है। ऐसो हाल मेरे घर किन्हो हो ल्याई तुम पास पकड़ी के, ऐसो हाल मेरे घर किन्हो हो ल्याई तुम पास पकड़ी के, ऐसो हाल मेरे घर केनो हो ल्याई तुम पास पकड़ी के, ऐसो हाल मेरे घर केनो हो ल्याई तुम पकड़ी के। एक गोपी माँ यशोदा के पास कृष्ण को पकड़ के लाई है, क्या कहती है,
ऐसा हाल मेरे घर का किया, मैं तेरे पास पकड़ के लाई, देख अब क्या करना है इसका। फोरी भांड दही माखन खायो, थोड़ी भांड दही माखन खायो, थोड़ी भांड दही माखन खायो, थोड़ी भांड दही माखन खायो, उबर्यो सो डार्यो ऋषि करी के, उबर्यो सो डार्यो ऋषि करी के, मोलाई तुम पास पखरी के, हाँ हो लाई तुम पास। लरी का छिरकी महिसों देखे, उपजो पूत सपूत महरी के, लरी का छिरकी महिसों देखो, उपजो पूत सपूत महरी के, बड़ो माट घर धर्यो युगनी को, बड़ो माट धर्यो युगनी को, बड़ो माट घर धर्यो युगनी तो, बड़ो माट घर धर्यो युगनी को। अरे टूक टूक कियो, टूक टूक कियो सखी न पकड़ी के, टूक टूक कियो सखी न पकड़ी, टूक टूक कियो सखी न पकड़ी के, टूक टूक कियो सखी न पकड़ी के, ऐसो हाल मेरे घर की हो, ऐसो हाल मेरे घर की हो, होलाई तुम पास पकरी के, होलाई तुम पकरी के, पारी सपाट चले तब पाए, पारी सपाट चले तब पाए, भूलियाई तुम ही पे धरी के, हाँ हो लियाई तुम ही के धरी के, सूरदास को यो राखो, सूरदास यो राखो, जो राखिए जो राखिए गजमत जरी के, जो राखिए गजमत, बोलो उद्धव भगवान की, राखिए जो राखिए गजमत धरी के, जो राखिए धरी के, हो ल्याई तुम पास पकड़ के, हो ल्याई तुम पास पकड़ के, हो ल्याई तुम पास पकड़ के, हो ल्याई तुम, हो ल्याई तुम पास पकड़ के,
लाइट नहीं बाबा अंदर, लाइट नहीं लाइट। हो ल्याई तुम पास पकड़ी, हो ल्याई तुम। दरवाजे से हट जाएंगे तो लाइट आएगी। सब अंदर आ जाइए। सब साइड में हो जाइए, साइड साइड हो जाइए। पहले एक बार गुरुदेव महाराज जी थोड़ा सा बताइए, दर्शन बताइए। दिख रहा है रास्ता दो, रास्ता दो। और ऊपर बोला दर्शन हो रहे हैं आप लोगों को। रास्ते से हट जाओ, लाइट हटाओ, नीचे बैठ जाइए, नीचे बैठ जाइए, लाइट छोड़ो। नीचे बैठ जाओ, हाँ अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। हाँ महाराज जी, ये जो प्रतिमा आपको बीच में जो दिखाई दे रही है, हाँ जी, साइड हो जाओ। अरे बेटा लाइट हटा दो, नीचे बैठ जाओ। हाँ बैठ लो। ये जो प्रतिमा आपको जो दिख रही है, ये बड़ी वाली प्रतिमा, हाँ जी, ये उद्धव जी की। जय हो उद्धव भगवान की। हाथ में श्रीमद् भागवत है। जय हो श्रीमद् भागवत की। ये यमुना जी हैं बगल में। रोहिणी जी हैं। रोहिणी जी जय हो। ये कृष्ण के ग्रैंडसन वज्रनाभ। जय हो वज्रनाभ जी। कृष्ण के ग्रैंडसन जी, जो मथुरा के प्रथम राजा हुए। हाँ जी हाँ जी। वज्रनाभ राधा कृष्ण। ये महाराज जी थोड़ी आप भी महिमा बोल दीजिए। देखिए श्रीमद् भागवत में सबसे प्रथम भागवत कहाँ हुई है? सबसे प्रथम कृष्ण पत्नियों के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण। तलाया खोल रहा है निकला श्रीमद् भागवत महापुराण। सबसे प्रथम उद्धव जी ने कृष्ण की पत्नियों को सुनाई। आशा महो चरण ऋण दिशा मानश्याम वृंदावनम किमपि गुल्म लताउ सदीना गोवर्धराज पूरेण वृंदारण्यम सखी स्त्री। इसको सखी स्थल सखी स्थले प्रवृत्ताम कुसुमाम भूदौ कृष्ण संकीर्तन उत्सव। क्यों सुनाई ना आ रहा मेरा? अरे बड़े सुनाई आ रहा। जिस वक्त भगवान लीला समाप्त करके और जाने लगे, आज घर में तैयार है मास्टर। अरे आ इन लोगों को जरा जाने दो, ये लोग दर्शन करके चले जाएंगे, फिर मैं यहाँ की कथा आपको। आया जल्दी आ जा। तेने दर्शन ही नहीं किए? अरे खेल हो या रहे दर्शन नहीं हो लो पकड़ लेंगे। लाइट तो तुम्हारे है ही ना। ये अम्मा बाबा ये कहाँ हैं? हाँ बहू ने भगवान दर्शन करा दो, बहू ने ना करे। अम्मा बाबा मेरे, अच्छा मेरे पिताजी हैं और माता जी। तुम्हारी बुआ हाँ दादी साहब तो उनकी होगी, तेरी बहू और उनकी। अच्छा बेटा घर पहुँचो, प्रसाद तैयार है। अच्छा तैयार है सब, पहुँचो वहाँ जाओ बेटा। हाँ जी
तो भगवान जब धाम को जाने लगे तो उनके पास में उद्धव जी जो थे उनके पास में थे, तो उद्धव जी ने प्रार्थना करी कि नाथ मुझको भी आप अपने साथ लेकर के चलो। तो ठाकुर जी बोले कि नहीं, अभी आप यहाँ निवास करो। तो कहाँ निवास करूँ कि जहाँ गोपियों का सदैव निवास रहता है। कहाँ है कि कुसुम सरोवर कुसुमाम भूदव, लिखा हुआ है भागवत में कुसुमाम भूदव, जहाँ कुसुम सरोवर है वहाँ सदैव श्री गोपी जो है निवास करती रहती है। वहाँ पर गोपी वहाँ निवास करती हैं, वहीं जाकर के तुम निवास करो तो उनका भी कल्याण होगा और तुम्हारा भी होगा। तो उद्धव जी जो है वहाँ से कि अच्छा यहाँ आ गए, जब यहाँ आ गए तो यहाँ आकर के वो जो है अपने ध्यान में रहते थे। तो श्री राधिका जी ने उनको आज्ञा करी कि देखो अभी तुम ब्रज में करने के अधिकारी नहीं हो, साधन भूमि भद्रकाय, तुम यहाँ भद्रका आश्रम चले जाओ और वहां जाकर के मेरे नख की साधना करो। श्री जी ने कही कि मेरे नख की साधना करो तो तुम्हारे लिए ब्रज प्राप्त होगा। उन्होंने कहा मुझे ब्रज प्राप्त होगा तो उद्धव जी जो है वहाँ साधना करने के लिए चले गए। श्री राधिका जी गोपियों के संग में यहाँ विचरण करती थी भगवान के वियोग में। तो एक दिन जो है जितनी यहाँ विचरती थी वो सब गोपी के संग में राधिका जी, तो वो यहाँ निवास करने लगी। उद्धव जी को उनने कृपा करी तो यहाँ बुला लियो गुणवलता औषधी नाम, यानी कैसे लता के रूप में, क्योंकि ब्रज की रज उद्धव जी ने कहो कि पाद रेणु, यानी उनकी गोपियों की चरण की रज मेरे ऊपर में गिरे, ऐसी जगह निवास दो क्योंकि मैं चरणों का तो अधिकारी हूं ही नहीं, उनके चरणों का अधिकार मुझे नहीं है कि मैं गोपियों के चरणों में जाऊं, लेकिन ऐसी श्री जी वो करो कि जिससे आपकी जो चरण रज जो धूल उड़ती है वो मेरे का। तो यहाँ पर जो गुरमलता औषधी नाम गुरमलता के वास करने लगे। उधर भगवान धाम को चले गए, 16,000 रानियों को अर्जुन लेकर के और मथुरा जी आ गया। बीच में भीलों ने लूट, अब वो यहाँ मथुरा जी आया तो मथुरा जी जो है रानी रोती रहती थी भगवान के वियोग में। तो एक जना यमुना जी के पास में गई और यमुना जी से कहो आप बड़े आनंद से बह रही हो, हमें ब्रह सता रहा है, क्यों कि हमारे ठाकुर जी जो है हमारे नेत्रों से जो है ओझल हो गए। तो यमुना जी ने प्रकट है कि कहो देखो मुझे तो हर समय ठाकुर जी की प्राप्ति है, ऐसे कैसे भाई मैं जो है श्री राधिका जी की, श्री यमुना जी बोली मैं श्री राधिका जी की चरण सेविका हूँ, जहाँ श्री राधिका जी है वहाँ श्री भगवान ठाकुर जी है, वो उनसे कभी वियोग नहीं हुआ है तो मुझे वियोग क्यों सताएगा। देखो एक बंसी है, ठाकुर जी की बंसी है, बंसी काय की बने हैं, अभी मैं रख दे मैं करूँगा पूजा, ला 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 मंडल ले जा रहे हैं। ओह भैया आपको ये खिंचो तो राधिका जी की इतनी देर में ही इसमें भूल गए हो कहाँ के बंसी जो है वो जो है एक बांस की लकड़ी होती है, और बांस की लकड़ी की बंसी जो बनी हो और अगर वो गिर पड़े यहाँ कहीं पड़ी हो तो आप लोग उसको नहीं देख करके अरे बेकार है उसको छोड़ के चले जाओ, क्यों उनकी अभ्यंत नहीं हो। तो श्री अधिकारी जो है वो बंसी स्वरूप है और श्री ठाकुर जी जो है वो ध्वनि स्वरूप है,
आज के समय में राधिका जी बंसी स्वरूप है और ठाकुर जी ध्वनि, अगर वही ध्वनि बंसी की और यहाँ बजने लगे और कोई गुड़ी बजाने वाला बजावे, आप जो है सब उसमें मस्त हो जाओगे, लकड़ी देख के मस्त नहीं होगे। श्री राधिका जी की जो है और वो जो है तो आप उसको देख करके मस्त हो जाओगे सब उसकी ध्वनि से। तो राधिका जी जो है बंसी स्वरूप है, श्री जी ध्वनि स्वरूप है ठाकुर जी, तो मेरे लिए तो प्राप्ति है केवल कह रही है यमुना जी, तो हमको कैसे हो प्राप्त। सब रानियों ने कहा भाई ऐसा है कि तुम मेरे संग में जो है बजनाब और परीक्षित को लेकर के चलो। हाँ एक जगह है जहाँ के कुसुम सरोवर है, वहाँ उद्धव जी निवास करते हैं, वो अगर प्रकट भय तो हमारे लिए पुनः कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है, यमुना जी बोली। तो वो सब रानियाँ यहाँ आई, 16,100 रानियाँ आई और उन्होंने कीर्तन उत्सव शुरू किया। जैसे यहाँ कीर्तन उत्सव हुआ तो ध्वनि बनी कीर्तन की, एकदम जो है सबके नेत्रों से आंसू आने लगे। तो ठाकुर उद्धव जी जो थे वो एकदम गुलमलताओं में से प्रकट हो गए और प्रकट होकर के, और उद्धव जी जैसे ही वहाँ आए तो उद्धव जी का क्या स्वरूप क्या है, उत्सव जहाँ उत्सव होता है, उत्सव किसको कहते हैं, भोजन का नहीं, यहाँ भंडारा हो रहा है ये उत्सव है, जहाँ ठाकुर जी के नाम संकीर्तन का उत्सव होता है वो उत्सव कहलाता है। तो उद्धव जी का स्वरूप उत्सव स्वरूप था, तो यहाँ नाम संकीर्तन हो रहा है, उद्धव जी प्रकट होकर के आ गए और आ करके ये जैसी मापरा तो बड़ी आनंदमय एकदम जो है भगवान कणकण में दिखने, कृष्ण जो है सबके लिए कणकण में दिखने लगे और नृत्य कर रहे हैं। उद्धव जी ने सब ने देखो तो जैसी देखो आँख खोली देखो तो क्या देखते हैं कि ठाकुर उद्धव जी सामने खड़े, ठीक भगवान कृष्ण का स्वरूप उद्धव जी का स्वरूप है, क्योंकि जब जाने लगे तो अपना स्वरूप दे गए थे और श्रीमद् भागवत दे गए थे उद्धव जी के लिए कि इसके द्वारा मेरा पुनः प्रादुर्भाव हो सकता है। तो वो जो है उद्धव जी यहाँ पर प्रकट हुए तो सब ने देख करके और सब उद्धव जी से प्रार्थना करी कि हम तो जो है बहुत बड़े के दुखी हैं। तो उद्धव जी बोले कोई नहीं, आप सब लोग यहाँ विराज हो, मैं एक महीने में श्रीमद् भागवत के द्वारा पुनः आप लोगों को कृष्ण के दर्शन कराऊंगा। तो सब यहाँ विराजे, तो मास पारायण जो है उद्धव जी ने एक महीने तक श्री कृष्ण की जो है लीलाओं के वर्णन किए। आखिर में कृष्ण पधारे और जितनी भी सखी थी सब जो है अपने होश भूल गई। तो उनके लिए ठाकुर जी ने क्या किया कि जो स्थूल शरीर है उसको तो यही छोड़ दिया और सूक्ष्म शरीर को जितनी भी रानी थी अपने विमान में लेके चले गए। 16,000 रानियों को विमान में लेके वो चले गए वो ठाकुर जी। तो यहाँ पर 16,000 रानियों को स्थूल शरीर को फिर अर्जुन यहाँ से ले गया और प्रभात क्षेत्र में ले जा करके उनको गला दिया। प्रभात क्षेत्र जो है वहाँ ले गया, वहाँ ले जा करके उनको गला दिया उनके स्थूल शरीर को। तो उद्धव जी ने तब से जो है यहाँ पर उद्धव जी की प्रतिमा एक यहाँ और एक बद्र का आश्रम, और आपको कहीं दूसरी प्रतिमा आपको उद्धव जी की नहीं मिलेगी। और जो परीक्षित जो थे वो यहाँ पधारे और बजनाव के लिए मथुरा का राज दिया, जब भगवान परीक्षित ने कि आप मथुरा में राज करो, पितामह के उसमें, और मैं जो है वहाँ राज करता हूँ। तो फिर उन्होंने यहाँ कुछ नहीं था तो उन्होंने इंद्रप्रस्थ से लोग भेजे और यहाँ पर बसाए गए महाजन वगैरह, कुछ यहाँ ऐसे बसे थे जो कि ठाकुर जी की कृपा से सांडिल्य ऋषि यहाँ रहे थे। उनकी जो संतान हुई वो जो है वो ब्रह्म रूप में, और वो जो है ब्रजवासी नहीं है, ब्रजवासी वो है जो कि बाहर से आकर के ब्रज में वास किया है। इंद्रप्रस्थ से और क्या नाम है परीक्षित ने जिनको भेजा है यहां पर और गांव बसाए हैं, तो यहां पर वो ब्रजवासी है और ब्रज जन अब इतने नहीं हैं, अभी भी जो है 50-40 घर ब्रजजनों के हैं जो कि
ठाकुर जी के समय से जो है यहाँ पर मौजूद है ब्रजजन, जिनकी पुस्तान पुस्तवी से चली आ रही है। तो यहाँ पर उद्धव जी ने श्रीमद् भागवत सबसे प्रथम कही। ये आप जो है स्कंद महात्म्य, बारह पुराण, ब्रज भक्ति विलास इनमें लिखी हुई है। यहीं पर नारायण स्वामी हुए हैं। प्रकट भये पंजाब में सारस्वत ध्वज वंश, नारायण ब्रज रस मगन सार हंस जिनी हंस। नारायण स्वामी यहाँ पे बहे ज्यादा दिन नहीं हुए, ज्यादा ज्यादा 101 साल हुए उनको। तो उन्होंने यहाँ पर जो है ठाकुर जी के दर्शन किए और उन्होंने शरीर अपना यही ठाकुर जी के चरणों में त्याग दिया। तो वो यहाँ पर उनकी समाधि मौजूद है। ये चीज यहाँ की प्राचीन है। और आपको थोड़ी सी ये और बता दूं, कुसुम सरोवर की लीला। कल फिर आएंगे हम लोग, हम कल आएंगे कुसुम सरोवर में बैठेंगे जब आप कृपा करेंगे। क्योंकि अभी ना हमारे वो जो स्तोत्र हैं वो पाठ करना है। हाँ ठीक 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 लो भैया, बोल देखो ऐसे कपड़ा पकड़े जैसे ये आप लोगों ने जो श्रवण किया इसमें थोड़ा सा हमारे बाबा ने जो अपनी परंपरा में सुना है वो बतलाया है कि वहाँ से परीक्षित लेके आए थे, लेकिन लीला कुछ अलग है। कुरुक्षेत्र में जब भगवान आए बाबा, कुरुक्षेत्र में जब भगवान यज्ञ करवे को आए तब वहाँ से आई थी ये गोपियाँ जो रानियाँ हैं वहाँ से आई थी कुरुक्षेत्र से। वहाँ के बाद जब द्वारिका चली गई फिर तो फिर अंतर ध्यान कर गई थी। कुरुक्षेत्र से जो है परीक्षित जी यहाँ लेके आए थे। हाँ, ब्रजवासिन की जो देखिए ब्रजवासिन की जो बात है वो सबसे ऊंची है क्योंकि उनको अपनों है ठाकुर। हम तो जो है ग्रंथन में जो लिखा हुआ है ये जो भागवत में जो लिखा है पूरा एक ही श्लोक का वो लिखा हुआ है, इधर हिंदी में लिखा हुआ है सामने। बिल्कुल श्रीमद् भागवत स्कंद पुराण, स्कंद पुराण द्वारा भागवत का नहीं। तो यहाँ पे कहते हैं कि 16,000 रानियाँ आईं, लेकिन लीला जो है वो आई है कुरुक्षेत्र से, क्योंकि वहाँ पे जब प्रहास क्षेत्र में जब ठाकुर जी जो है रानियों को आदेश दे करके चले गए कि हाँ भाई अब अर्जुन तुम ले जाओ, तब जो है वो अर्जुन जो है भेली भेलिया बन के भगवान से, वो सारी लीला है ना वहाँ पे, वो उस लीला को अगर हम लोग पुष्ट करें तो यहाँ की लीला अलग हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी महाराज की। यहाँ पे प्रभु जी मेरा बैग दो, प्रणामी करेंगे ठाकुर जी के भोग राग के लिए। कछु बंदर अंदर उठा ले जाएंगे वहाँ से सामान। आइए स्तब पाठ करेंगे एक साथ फटाफट। दीजिए दीजिए दादू दे हाँ, ये थोड़ा सा ले लीजिए। समय क्या हो गया? समय बज रहा है 5:40। जयदेव प्रभु को जाना है क्या? पूछना उनसे आगे खड़ी है तो आगे। जयदेव प्रभु से पूछना जाना है क्या उन्होंने? अभी से बोला हो प्रभु, मृदंग ले लीजिए, दे दो मृदंग, दे उनको मृदंग। कहाँ रखा है? हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
जयति तेधिकं जन्मना ब्रज शयत इंदिरा शश्वदत्र ही यते एक साथ यति दीक्षता दिक्षुतावका विचिन्वते एक साथ शरदुदाशये साधु जात स से प्रकट किया है बड़ा दिव्य है Yeah.
स्मरानन
कौन तला पति सुतानवाया रात्रि बांधवा अति विभयाते अंत्यच्युता गता गति विदास्तवो काशेषु तेनाट विमटसी तदवथ तेना किंस्वित उकादपि विभ्रमति धीर पर्वताश्वराम्ना चिंतामणि प्रकर्मस् चिंतामणि प्रकर्षद्मसु कल्पवृक्ष दक्षावृत्ति लक्ष्मीसहस्रशतसंभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि आलोलचंद्रकलशवनवाल्यवंशी रतनांगदं प्रणयकेली कलाविलासं श्यामं त्रिभंगललितं नियतप्रकाशं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि नियस्य सकलमिन्द्रवित्तिमन्ति कान्ति कलयन्ति चिरं तमहं भजामि अच्युतं अनादिनन्तरूपम् देवेषु दुर्लभं मधुरलभं गोविन्दमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि पन्थास्तु कोटिशतवत्सं गम्यो वायोरथमनसो मुनिपुङ्गवानां यो अस्यप्रतिमन्यविचिन्त्यतत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि एकव्यसो रचयितुं जगदण्डकोटि यशक्तिरस्ति जगदण्डचयाजदन्तम् अण्डान्तरस्य परमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यद्भावभावितधियोमनुजास्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमासनयानभूषा सुक्तिर्यमेव निगमप्रथितैः स्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभिर्य एव निजरूप सत्यकलात्मभूतमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यमश्यामसुन्दरमचिन्तयन् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आदिपुरुषं तमहं भजामि।
अकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्णा स्वयं समभवत् परम् आदिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्य प्रभा प्रभो जगदण्डको शेष वसुधादि विभूति भिन्नम् तद् ब्रह्म निष्कलमनन्तम् शेषभूतम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादि भजामि मायास्य जगदण्डानि श्रुते सूते पुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं अनन्तचिन्मय रसात्मक मनस्सु प्रतिफलं समतामुपेत्य लीला इति गोविन्दमादिपुरुषं भजामि गोविन्द गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति त्रयस्य भुवनानि इच्छानुरूपमयि अस्य च चेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यथा विशेष योगा संजायति तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि कालं जीवन्ति लोक विरजा जगदण्डनाथ विष्णुर्महान गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आस्वान् यथा श्लेषु कलेषु निजेषु तेज कालस्तथा आत्मनासीति जगत्त्रयानि पुरुषं तमहं भजामि सुरेश सविता सकल ग्रहाणां राजा समस्त सुरमूर्ति रशेष तेज यस्याराध्य गोविन्दमादि बन्धानुरूप फलं भाजन मातनोति करमाणि गोविन्दमादिपुरुषं तमः गोविन्दमादिपुरुषं तमः आमे काम सहज प्रणीति परम पुरुष कल्पतरवो भूमिश्चिन्तामणिगणमयोऽयम् अमृतम् कथां नाट्यं नाट्यं गमनमपि वंशी चिदानन्द ज्योति श्रवति अवीरे नारी वदन कमलाय अमरपति गणेशाचित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन भवतु मे स्वामी भवतु मे नयन पत नीलशिखरे वसन प्रासाद